बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन अभी इनमें पार्टिसिपेंट है वो जो में बचे हुए हैं, जो क्रीम थोड़ा सा नहीं होता बट पिघल जाते हैं, क्रीम बच जाते हैं और उसका मूल्य ज्यादा होता है। यहाँ पे इतने लोग बचे हुए हैं, अगर यू कहूँ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन हु हैड फेथ इन देमसेल्फ, विश्व का इतिहास उन गिने चुने लोगों का इतिहास है जिन्हें अपने ऊपर विश्वास था, और वैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास है कि हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, नंबर वन नंबर टू आएगा, है ना। अपने लिए जोरदार तालियां दीजिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे लोगों ने तो काफी मेहनत किया है, थोड़ा सा कमी महसूस मुझे हुई है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिविटी इनोवेशन निश्चित रूप से होनी चाहिए। आप इनको जानते हो मेरे ख्याल से, क्या नाम है इनका? ये आज के समय में इनके जीवन काल में हम लोग का जन्म होना एक सौभाग्य से कम नहीं कही जा सकती कि इनके जीवन काल में हम लोग भी मौजूद रहे हैं, ये एक गौरव वाली पल है हमारे लिए, और इनके सानिध्य में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ा, शास्त्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने मिसाइल मैन के रूप में उनको जाना जाता है, जो उन्होंने हमारे देश को देख करके मजबूत बनाया, और आज हम लोग काफी मजबूत है इस क्षेत्र में, और आप सब उस क्षेत्र में ही जाने वाले हैं। अच्छा, इसमें कितने लोगों का विश्वास है कि वो लोग हेलो दो लोग बात कर रहे हैं, दो वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, हेलो वैज्ञानिक साहब, हेलो बात वैज्ञानिक, हेलो अच्छे अच्छे दांत है ब्रश करके आए हैं मुझे पता, हेलो इधर प्लीज, रियो सर कितना अच्छा बोल गया है अभी बात कर रहे हैं, वो कहाँ का बच्चा करते थे ये मेरा तो हेलो हेलो बच्चे कौन सा कैसे बात अच्छा है ये इसलिए ध्यान नहीं जा रही, अच्छी चीज है, थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे देना है। कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे बाल वैज्ञानिक जिनको लगता है कि आने वाले समय में हम इतिहास सोचेंगे, वाह वेरी गुड, जो डांटा नहीं अपने लिए होनी चाहिए। एक विश्वास जो है ना, एक कभी कभी होता है कि आप जिस चीज को विजुलाइज करते हैं, इमेजिनेशन पावर पर आप हमेशा बोलते थे कि सपने 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 से विचार बनते हैं, विचार से कर्म बनते हैं और कर्मों से सफलता मिलती है। सबसे पहले कि अभी आपने जो हाथ उठाया, आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम सफल होंगे और इतिहास रचेंगे, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी यहीं से शुरुआत हो रही है, और जैसे जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही आपके विचार भी बनते जाते हैं। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्डर देखे हुए, बॉर्डर फिल्म सनी देओल वाली गदर टू, अरे वाह वाह यार वेरी गुड, एक और फिल्म मैं बोलता हूँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अच्छी चीज है दिलवाले ले जाएंगे, इस समय नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, गांधी जी की धरती है सती वो लगा रहा है इसे, हाँ बहुत है थैंक यू। जब हम बॉर्डर फिल्म देखते हैं तो हमारे लोगों में जो देशभक्ति दौड़ने लगता है, विचार लड़ते पाकिस्तानी आता ही नहीं आता, अरे बोलिए क्योंकि हमारे आंखों के सामने वो तस्वीर प्रस्तुत हो रही है जिसमें हमारे सैनिक लड़ रहे हैं अपने देश की रक्षा को लेकर के पाकिस्तानियों से, लेकिन जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखते हैं तो उसमें कुछ सोच जाती है काश हम भी बताई जा रही है।
प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अनुसार ही बनती है। आप बॉर्डर देखते हैं उसके अनुसार विचार बनते हैं, डिटेल देखते हैं उसके अनुसार विचार बनते हैं। आप किस संगत में रहते हैं, किस तरह से दोस्त आपके आसपास में है उसके अनुसार से विचार बनते हैं। और खैनी खाने वाला, गुटखा खाने वाला दोस्त मिल जाए तुम बच जाओ, बच लो। हमारा दोस्त खा रहा है वो खिलाया कि नहीं खिलाया, यही इको सिस्टम हुआ। ये जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, परिचर्चा बार बार पूछी जा रही थी कि आपका थीम क्या है आज का, इस साइंस कांग्रेस का थीम क्या है जिसके इर्द गिर्द ही आपको सोचना है। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में इस थीम के अनुसार ही आपको प्रोजेक्ट बनाने थे, और मैक्सिमम बच्चों ने उसी के इर्द गिर्द बनाए भी है। किसी का अच्छा है, किसी में कुछ कमियां है, लेकिन आपने सोचा, आपने गूगल पे सर्च किया, विकिपीडिया पे देखा, आपके गाइड है, आपके शिक्षक है, उनसे आपने पूछा और बहुत ही सुंदर कल्पना के साथ आपने प्रोजेक्ट बनाया है। बड़ी अच्छा अच्छा ये देखिए, ये सब कल्पना के ही रिजल्ट है। ये जो बना है सामने, जो आप लोगों के सामने बना हुआ है, आपने सोचा, विजुलाइज किया। अच्छा एक चीज बताइए, आपने जो बनाया क्या इसे धरातल पर उतारा जा सकता है क्या? जी सवाल नहीं आ रही है, उतार सकते हैं। देखिए एक्चुअली अब सिर्फ यहाँ पे आए हैं साइंस कांग्रेस में, मैं मानता हूँ कि कॉलेज स्कूल की तरफ से प्रेशर नहीं होगी, चलो बच्चा प्रोजेक्ट बना के चलो। यहाँ पे उपस्थिति भी दर्ज करानी है क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर गए हैं, तो अपनी उपस्थिति भी देनी है। सही जगह पे चलेगा मैं कहूंगा, प्रेशर में ही सही, लेकिन अच्छे कदम के साथ अच्छे जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्तित्व है, खासकर डीओ साहब की जो उद्बोधन हुआ था बहुत ही प्रेरणादायक था, उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया हम लोगों के बीच में, रियली में इंस्पायरिंग था। आप सबको भी जब आप यहाँ पे आप भी एक सिस्टम है, यहाँ जब हम लोग उपस्थित है, यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट बना के आए हैं सोच के आया है कि हमारा प्रोजेक्ट जरूर सेलेक्ट होगा और वो राज्य स्तर पे जाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सोचे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा? कुछ सोच, अच्छा बगल पर उठा दिए, अच्छा हम भी सोचिए क्या ऐसा है क्या? कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास मजबूत होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बातें मैं बंद करूंगा। एक बार की बात है कि गांव में अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, जिससे आप सबने बड़ी अच्छा अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है कि हमारे आसपास में ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है स्वास्थ्य को लेकर खासकर, और आपने समाधान भी बताया, बहुत बढ़िया बताया। रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको और आपके गाइड को, जो मार्गदर्शक है आपके शिक्षक, उन्होंने गाइड किया। रियली मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, आपने समस्याओं के समाधान के बारे में सोचा। उस गांव में अकाल पड़ा, अकाल पड़ने से अकाल मृत्यु होना शुरू हो गई। गांव के लोगों ने सोचा कि कुछ पूजा पाठ की जाए, तो लोगों ने विचार करके किया, कुछ बुजुर्गों ने बताया कि गांव के बाहर जा करके अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, आह्वान करते हैं मेघनाथ जी का, तो बारिश हो सकती है। गांव के सारे लोग पहुंच गए, गांव के बाहर चौराहे पे और पूजा पाठ करना शुरू हो गया। उसी दरमियान एक लड़की, छोटी लड़की भी वहां पहुंची, जो हाथ में छाता लेकर पहुंची थी। सारे ग्रामीणों ने मजाक करना, क्या है ये अकाल पड़ा हुआ छाता लेकर घूम रही है? स्वाभाविक है कि बारिश हो नहीं रही है और छाता लेके आ रही, बारिश से होगी तो पहुंचेगी, लेकिन वहां बारिश हो नहीं रही है। मजाक मनाया गया, पूछा गया कि तुम छाता लेकर क्यों आई हो, बारिश तो हो नहीं रही है। तो वो जवाब क्या बोलती है, ध्यान दीजिए, बोलती है कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, बारिश होगी इसको लेकर के हम लोग पूजा कर अर्चना करने आए हैं, तो बारिश होगी तो बचने के लिए छाता चाहिए ना। उनको पूरा विश्वास हो गया था और उसने बताया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पूजा पाठ होगी तो बारिश होगी तो भीगेंगे नहीं, बल्कि हम छाता लेकर के बचेंगे, इसलिए मैं छाता लेकर के आ रही हूं।
ये होता है आत्मविश्वास। किसी भी काम को करने के पहले मन में संकल्प लेना कि यह पूरा होगा और हम सफल होंगे। और आप सब इस संकल्प के साथ ही यहाँ पे आया है कि हमारा प्रोजेक्ट जरूर सिलेक्ट होगा। अच्छा, जो रिजेक्ट होगा वो क्या करेंगे? नहीं, 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 नहीं। कि अच्छा नहीं बताए क्या सर? आपके बच्चे लोग अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे लोग तुम लोग को दुष्ट नहीं देंगे, टीचर अच्छा से नहीं बोलता है ना? अरे बाबू बोलिए, आप ही कुछ मैं बोल रहा हूँ। अरे टीचर ठीक से बता रहे, सिलेक्ट होता कि नहीं होता? अरे बोलिए बाबू, मान लो कि टीचर याद नहीं है। ये भी चीज है, घबरा सत सत बोल, गांधी जी की धरती है। किसको दोष देंगे अगर रिजेक्ट होते हैं तो? वास्तव में दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने जितना किया है आप समझ सकते हैं, आपके साथ बैठने वाले बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, लेकिन आप ही क्यों आए? ये सबसे बड़ी दोष है। और अब की बार बड़ी व्यवस्था के लिए फाउंडेशन कहाँ है? फाउंडेशन ने बड़ी अच्छा व्यवस्था किया, जितने भी पार्टिसिपेंट है सबके लिए डीओ साहब के हाथ से सिग्नेचर करवा दिया, सबको मिलने वाली है। और आपकी जो गाय है उनको भी मिलने वाली है। बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई इन्होंने। लेकिन मैं बता दूं, पहले मैं बुराई नहीं करता, मैं जिला स्कूल में कितना है 7-8-9 साल से मैं आ रहा हूँ। पहली बार जो मैं आया था तो जिला स्कूल में नहीं आया था, इसी मंच पे आया था जहाँ सर दर्ज के यहाँ पे, ठीक है। और आज भी मैं देखा फेसबुक अपडेट पे कि पिछले साल इसी डेट को एमजे के में हुआ, इसी डेट। और ये एक ऐतिहासिक पल है, ऐसे कि सेम डेट कौन सी डेट कही जा सकती कि तीन से इस डेट पे हो रही है। तो हम सब के लिए, आप सब के लिए एक सुनहरा पल है। अगर रिजेक्ट भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस समारोह का, इस बाल कांग्रेस का एक हिस्सा बना। आने वाले समय में आप जब रिज्यूमे बनाएंगे अपना, बायोडाटा जब जॉब के लिए दी जाती है उसको रिज्यूमे कहते हैं, तो उसमें डालेंगे। और ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और किसी जॉब को लेने में मदद करेगी। ये इसको जमा कर दी ऐसी पेटीएम प्लीज, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही वैल्यू है इसकी। आप ऐसे खरीद नहीं सकते हैं, नहीं तो कितना जितना पैसा लगता है कि आपने से बना सकते क्या सर? लेकिन बनाना तो 100 बना लीजिएगा, ऐसा संभव है? लेकिन जब सत्यता की जांच होगी तो जेल के अंदर होगी, तो ऐसा काम नहीं करनी है। तो जो रिजेक्ट होते हैं दो दोष देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ इवैल्यूएट करने की जरूरत। जैसे यहाँ इवैल्यूएशन हुआ दूसरे के द्वारा, अब इवैल्यूएट करने की जरूरत है खुद से, खुद की प्रोजेक्ट की कि कहाँ पे कमियां रह रही थी, कहाँ पे इनोवेशन छूट गई थी, कहाँ पे नयापन छूट गई थी, यहाँ पे जो नंबर देने की जो कॉलम था उसमें अलग अलग चीज था, ओरल ओरल लिखी कितना है, प्रेजेंटेशन कितना कॉन्फिडेंस से कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे इतना शानदार प्रेजेंट कर रहे थे कि लग रहा था कि यह बच्चा जो है कभी ना कभी देश के मंच पर बोलेगा। मैं बता दूं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, बहुत अच्छा काम किया। ये सारे चीज एक एक चीज मायने रखता है आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में और आपको आगे बढ़ाने में। आप जहां भी जाएंगे अच्छा चीज ही फैलाएंगे, अच्छा चीज ही करेंगे, आप इनोवेटिव काम ही करेंगे। तो आप सब ये जो कल्पना किया है उसको धरातल पर उतारने का संकल्प लीजिए। कलाम साहब का एक विजन था भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने है। हमारा भारत विकासशील राष्ट्र है, लेकिन इसको विकसित राष्ट्र बनाने है संकल्प था उनका। और वो हमेशा बच्चों को बीच में ही रहा करते थे और अंतिम समय भी बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में भाषण देते ही इस धरती से गए। मैंने कितना सुनहरा और कितना ऐतिहासिक चीज है कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिस प्रोफेशन से, जिस काम से आप लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी इंटरेस्ट है रेल में। मैं ये शुभकामना देना चाहूंगा कि सब तो विजय नहीं होंगे, सब चयनित नहीं होंगे। जो चयनित होते हैं उनको भी बधाई है, जो रिजेक्ट होते हैं रिजेक्ट उसको नहीं कही जा सकती है। किसी कारण से अगर सिलेक्ट नहीं हो पा रही है तो आप अगली बार के लिए भी तैयारी करेंगे।
ना टीचर को दोष देंगे, ना स्कूल को दोष देंगे, ना खुद को दोष देंगे, बस इंप्रूव करेंगे। जहां पे गलतियां होती है आप सब है मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए बोलते रह जाऊंगा कि हमारे बीच में संजय अध्यक्ष साहब भी है, उनकी बातें आपके बीच में जानी चाहिए। इनका जो अनुभव है सर का, जो उसका आशीर्वाद आप सबको उन सबको लेना चाहिए। मैं तो करना सा आपके मुझ पर बोलता जाता हूँ, इसलिए लोग ये सर बोलते हैं मोटिवेशन। तो आप सब मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा बहुत सारा वीडियो जाता है आप सबके लिए, मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई से बहुत सारे वीडियो आते हैं, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और पर्सनली अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो पढ़ाई को लेकर, कैरियर को लेकर के, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है, निश्चित रूप से आप मुझे फोन मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और मैं फोन जरूर करूंगा अगर किसी इस तरह की विपरीत परिस्थिति में। पैसा कमी है तो मन होती है कि सर पैसा नहीं, कभी दिमाग से डीमोटिवेट।